हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ विकास। तो आज हम एक सॉन्ग सीखेंगे जिसका नाम है मैंने रोया बाय तनवीर इवान। ये सॉन्ग अभी इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इस सॉन्ग को हम गिटार पर प्ले करना सीखेंगे और इजी तरीके से प्ले करना सीखेंगे। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। लेसन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको इस सॉन्ग के रिटर्न में कॉर्ड और साथ ही और भी सॉन्ग्स के रिटर्न में कॉर्ड चाहिए तो नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप आ जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कॉर्ड्स देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट कॉर्ड है हमारी ए मेजर, नेक्स्ट कॉर्ड है हमारी एफ शार्प माइनर, नेक्स्ट कॉर्ड है ई मेजर और लास्ट कॉर्ड है डी मेजर। ठीक है, सिर्फ चार कॉर्ड्स हैं, ए मेजर, एफ शार्प माइनर, ई मेजर और डी मेजर। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए एक थोड़ा एफ शार्प माइनर थोड़ा सा बार कॉर्ड है तो डिफिकल्ट हो सकता है, तो हम इसको इजी बना सकते हैं किपू यूज़ करके। किपू यूज़ कर सकते हैं हम सेकंड फ्रेट पे, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड फ्रेट पे किपू यूज़ करेंगे तो जो हमारा ए मेजर था वो बन जाएगा जी मेजर, जो एफ शार्प माइनर था वो बन जाएगा ई माइनर, जो ई मेजर था वो बन जाएगा डी मेजर और जो डी मेजर था वो बन जाएगा सी मेजर। तो अब सिर्फ सिंपल चार कॉर्ड्स हो गए, जी मेजर, ई माइनर, डी मेजर और सी मेजर। ठीक है, इन चार को यूज़ करके हम सॉन्ग इजीली प्ले कर लेंगे। तो कॉर्ड्स हो गई, अब आते हैं हम इसकी स्ट्रमिंग पर। तो अब आते हैं हम इसकी स्ट्रमिंग पर। स्ट्रमिंग इसमें मैंने तीन टाइप्स की यूज़ की है। तो एक तो मैंने फिंगर प्लकिंग वाली स्ट्रमिंग यूज़ की स्टार्टिंग के लाइन्स में, फिर एक मैंने नॉर्मल स्ट्रमिंग यूज़ की है और फिर मैंने एक हार्ट बीट स्ट्रमिंग यूज़ की है जो से मैंने मेन लाइन मैंने रोया आती है उसमें यूज़ की है। तो मैं आपको तीनों बताऊंगा, आपकी जिस पे चॉइस हो आप उस पे भी प्ले कर सकते हैं, आप चाहे तो मेरी तरह भी प्ले कर सकते हैं तीनों को यूज़ करके। तो फर्स्ट जो फिंगर प्लकिंग है उसके लिए क्या पैटर्न है, जैसे जी मेजर है तो जी मेजर के लिए पैटर्न है 6 3 2 4 1 2 3 2। ठीक है, पहला नोट जो होगा वो उस कॉर्ड का बेस नोट होगा, तो जी मेजर जो है उसका बेस नोट है 6 स्ट्रिंग। ठीक है, तो 6 स्ट्रिंग यानी 6, फिर बाकी का पैटर्न है 3 2 4 1 2 3 2 3 2 4 1 2 3 2। ये सब कॉर्ड्स में सेम रहेगा, बस जो पहला नोट है वो बेस नोट होगा उस कॉर्ड का। ठीक है, तो जी मेजर है तो 6 3 2 4 1 2 3 2। जैसे डी मेजर पे आएंगे तो बेस नोट हो जाएगा 4 स्ट्रिंग 4 3 2 4 1 2 3 2। ठीक है, अब ई माइनर पे आएंगे तो बेस नोट हो जाएगा 6 स्ट्रिंग 6 3 2 4 1 2 3 2। सी मेजर पे आएंगे तो बेस नोट हो जाएगा 5 स्ट्रिंग 5 3 2 4 1 2 3 2। ठीक है, इस तरीके से ये पैटर्न प्ले हुआ है। तो इजी है, आप इजीली प्ले कर सकते हैं, आप चाहें तो पूरा सॉन्ग भी इस पे प्ले कर सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट समिंग पर। नेक्स्ट समिंग जो हमारी इजी वाली है वो है डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप, ऐसे चलेगा डाउन डाउन ठीक है, डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप, डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप। इजी स्ट्रमिंग है, तो ये हमारी नॉर्मल वाली स्ट्रमिंग हो गई। अब आते हैं हम हार्ट बीट पे। तो हार्ट बीट वाली जो स्ट्रमिंग है वो इसी स्ट्रमिंग का इंटरप्रिटेशन है। तो जो आपके डाउन स्ट्रोक्स हैं उनकी जगह करना है आपको बीट। तो जैसे हार्ट बीट की कुछ कॉमन चीज़ें होती है वो समझ लेते हैं पहले। जो आपको बीट देनी है वो आपके पाम से देनी है, मतलब यहाँ पे ऐसे हिट करेंगे ऐसे साउंड आनी चाहिए। और ये जो स्ट्रमिंग होती है इसमें वो सेकंड और थर्ड फिंगर से होती है, तो इन दो फिंगर से स्ट्रम करेंगे। तो पहली चीज़ है किक प्लस स्ट्रम। किक प्लस स्ट्रम क्या है, बीट भी करनी है और साथ में स्ट्रम भी करना है, दोनों एक साथ करना है। ठीक है, ऐसे साउंड आनी चाहिए। एक किक प्लस स्ट्रम, फिर एक है स्नेयर। स्नेयर क्या है, स्ट्रम करते करते गिटार के इस वाला पोर्शन है नीचे वाला, यहाँ पे आपकी फिंगर शिफ्ट करनी चाहिए, ऐसे साउंड आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखने की है। तो पहला है किक प्लस स्ट्रम, किक प्लस स्ट्रम, फिर एक स्नेयर, फिर अप अप, फिर एक किक, स्नेयर और डाउन अप। किक प्लस स्ट्रम, किक प्लस स्ट्रम, स्नेयर, अप अप, फिर एक नॉर्मल किक, इस बार स्ट्रम नहीं करना, फिर एक स्नेयर और डाउन अप। ठीक है, ये ऐसा साउंड करेगा।
ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे प्ले हो जाएगी, और आप चाहें तो नॉर्मल स्टैंड पे भी पूरा सॉन्ग इजीली प्ले कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप जिस पे प्ले करना चाहें। और इसके अलावा आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो वही हमारी समिंग, अब आते हैं उसके कॉर्ड प्रोग्रेशन पे, वो भी बहुत ईजी है, तो मैं एक बार पूरा सॉन्ग प्ले कर देता हूँ, आप जानते थे कि कौन से कॉर्ड कहाँ पे रही है और सॉन्ग कैसे प्ले हुआ है। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो से कोई भी हेल्प मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको उसके रिटर्न में कॉर्ड प्रोग्रेशन चाहिए तो वेबसाइट पर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो गाना चालू होगा हमारा जी मेजर से। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सॉन्ग, आई होप आप सभी लोगों को अच्छे समझ आ गया होगा, इजी सॉन्ग तो और इजीली मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन या डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हाँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से कोई भी हेल्प मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही ईजी और नए सॉन्ग्स और गिटार लेसन लाता रहूँ। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।